खंडवा में उपचुनाव की हलचल के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर ही रात रुके थे, जहां सुबह उठकर उन्होंने मकान की बालकनी में योग किया और उसके बाद जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनी। देखिए एक खास रिपोर्ट। खंडवा में दिखा सीएम शिवराज का अलग अंदाज। बीजेपी कार्यकर्ता के घर सीएम शिवराज ने किया रात्रि विश्राम। जनता से रूबरू होकर सीएम शिवराज ने जाना सरकारी योजनाओं का हाल। बालकनी में योगा कर प्रदेशवासियों को दिया निरोगी रहने का संदेश। सीएम शिवराज सिंह ने खंडवा में अवधूत संत दादाजी धुनीवाले की समाधि पर आशीर्वाद लेने पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि योग सभी को करना चाहिए और अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए। इसी के साथ उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों से योग करने की अपील की है। नेता की मर्यादाएं हैं, इसलिए सुना है और सुन के इसके बाद निराकरण भी करें। सबको योग करना चाहिए। योग भारत की अत्यंत प्राचीन विधा है, जो हमारे ऋषियों और महर्षियों ने बड़े शोध के बाद एक पद्धति बनाई है। मैं रोज योग करता हूँ निरोग रहने के लिए। योग रामबाण है और सभी बहनों और भाइयों से मेरा कहना है, बहुत आसान है, योग और प्राणायाम में थोड़ा समय ज़रूर दें ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। अब जिनको जो कहना है वो कहे, लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास और जन कल्याण है, उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इस दौरान दादाजी धुनीवाले के मंदिर में दर्शन के बाद सीएम शिवराज ने देश और प्रदेश के खुशहाली और कोरोना महामारी से लोगों को निजात दिलाने के लिए कामना की। साथ ही वह पूजा पाठ और दर्शन के बाद अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए निकल गए। सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और दादाजी से यही प्रार्थना करते हैं, सुख समृद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। कोरोना जैसी महामारियों से हमको छुटकारा मिले और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यहाँ इसी भाव से आते हैं, इसलिए मीडिया के मित्रों से मैंने अंदर कहा कि यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। राजनीतिक चर्चा करना है तो कहीं मंदिर निर्माण का कार्य यहाँ अटका हुआ है। अब ट्रस्ट के मित्रों के साथ मिल के जैसे दादाजी की इच्छा होगी उस दिशा में काम करेंगे। मूल रूप से खंडवावासी ट्रस्ट के साथ ही यहाँ के जागरूक नागरिक जो फैसला करेंगे, सरकार उस दिशा में चलेगी। उपचुनाव में अब जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आते चला जा रहा है, वैसे वैसे सीएम शिवराज मैदान में लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में सीएम शिवराज ने खंडवा में रात अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर गुजारी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, खंडवा।